और ये केवल सीधे ही आगे मार के जला गया। एक मिनट बैक करो, बैक करो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुटहन थाना क्षेत्र के ये नरेंद्र पट्टी के पहले ही है। यहाँ जो यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि कुछ महीने पहले रंगदारी का मामला था किसी बात को लेकर। यहाँ 3 बाइक सवार परसों आए लगभग 6:30 बजे और इस दुकान में अचानक घुसते हैं, तुरंत फायरिंग करते हैं, जिसके दौरान लाल बहादुर सोनी जी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनको जौनपुर ले जाए, जौनपुर से फिर वाराणसी रेफर कर दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में जो CO है उन्होंने बाइट दिया, जानकारी प्राप्त किया है, और जो जिले के जो कप्तान है SP हैं गंभीरतापूर्वक इस मामले को लिए हैं। जब अगल बगल लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ महीने पहले यहाँ कुछ कोई बातचीत हुई थी, लेकिन जिस तरीके से फिर पीड़ित से मेरी बातचीत मैं संपर्क करना चाहा, पीड़ित से संपर्क नहीं हुआ। लेकिन सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ये रंगदारी का मामला है। रंगदारी को लेकर 3 बदमाश आए और एक बाइक स्टार्ट करके खड़ा था, एक उतरा और एक अंदर घुसते मन तुरंत फायरिंग कर दिया। अभी इस वक्त लाल बहादुर सोनी जो हैं जो वाराणसी में हैं और उनका पीड़ित परिवार देने के कगार पे नहीं है। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता अपनी राय जरूर दें। इस मामले में गंभीरतापूर्वक CO साहब जो थे इस मामले को उठाए हैं। फिलहाल एक आरोपी को जेल भेज दिए हैं, 2 आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। और ये केवल सीधे ही आगे मार के जला गया। एक मिनट बैक करो, बैक करो। 1 फरवरी 2024 को चक कुतुबी थाना क्षेत्र खुटन में हार्डवेयर संचालक श्री लाल बहादुर सोनी को कुछ बदमाशों द्वारा गोली मारी गई थी, जिस संदर्भ में वादी श्री विकास सोनी की तहरीर पर अंतर्गत धारा 386, 307, 504, 506 IPC अभियोग पंजीकृत हुआ था। नामजद अभियुक्त छोटू तिवारी की गिरफ्तारी पुठन पुलिस द्वारा की गई है, जिसे जेल रवाना किया गया है।